और तुषार भाई आप अभी तक उबर कर रहे हो, तो 4 साल हो गए आपको ऑस्ट्रेलिया में। ये साला कभी बोलता है आगे लेफ्ट में हवा कम है, कभी पीछे कम है। और भाई देखो ओरिएंटेशन हो रही है, कितने सारे बच्चे हैं भाई आगे यूनिफॉर्म। लेडी ऐसा लगती कती नशे करके आई है भाई फुल। भाई बच गया मैं, उस दिन मैंने कितने कमाए थे, 120 130 कुछ कमाए थे, उतने का या उससे ज्यादा का फाइन। वहां से मेरे को ऑर्डर उठाना है सामने से। कैन यू प्लीज स्टार्ट द डिलीवरी, ऐसे कुछ बोली। इतनी देर इसने प्यार करवा लिया, अब कैमरा ऑन हुआ है तो छुप रहा है, शर्मा रहा। अच्छा किंतु ब्लॉग स्टार्ट करें, किंतु कम अच्छा ब्लॉग स्टार्ट करें। अब वेरी गुड मॉर्निंग है कैट चैनल, वी हैव मिस्टर केंजो इन द, वी हैव आउटसाइड द केंजो ऑफ द ब्लॉग। केंजो ये आ गया भाई, तू ब्लॉग से बाहर क्यों चला गया था? तो हाँ भाई, अभी हो रहा है टाइम कितना, 12 बज रहे हैं ठीक है, और मेरे को आइडली तो उठना था भाई 7 बजे। 7 बजे उठ के मैंने सोचा थोड़ी देर उबर कर लूं भाई, सुबह सुबह कर लो ना सही रहता है भाई, मतलब कि शाम जैसे ही काम होता है, बट थोड़ा सा मेरे को सही लगता है कि सुबह उठ के काम नाम निपटा लो अपना, ये नहीं कि शाम को भग रहे हैं भाई $150 पूरे कर रहे हैं, $100 पूरे कर रहे हैं, तो मैं ऐसे करता हूँ कि सुबह कर लिया थोड़ा बहुत। और भाई ये देखो, ये मेरे को याद है गिरा था मैं सिडनी में, वो वाली चोट है आज तक इसका शरीर पे स्टैंप हो रखा है कि लगी थी भाई इसको, पता नहीं मेरे सॉक्स में क्या चाहिए भाई। नो केंजो, सुबह सोचा था सुबह तो नहीं हो पाया ठीक है, तो अभी निकलते हैं उबर करने के लिए। वानी का काम है भाई, वानी का काम नहीं, वानी की यूनी है, तो मैं सोचा वानी को यूनी ड्रॉप करके फिर मैं उबर स्टार्ट कर लूँ, और फिर सोचा था कुछ खा लूँ पर मन ही नहीं कर रहा भाई खाने का सुबह सुबह, कुछ सुबह तो नहीं हुई वैसे। हाँ एक और चीज़, आजकल भाई जल्दी उठा जा रहा है, तो उसके घर के रेगुलर ब्लॉग्स भी आ रहे हैं। अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं जरूर लाइक करो, इंस्टाग्राम पे भी मैं रील डालने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर, और इंस्टाग्राम पे भाई मैंने चीज़ देखी कि ज़्यादा प्यार मिल रहा भाई ठीक है, जितने अपने यहाँ पे व्यूज़ नहीं आते ना उसमें एक रील डाल दो, 10 वीडियो के व्यूज़ आ जाते हैं उसमें, 2-2 लाख तक व्यूज़ आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया जाके आप लोग कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम है ठीक है। एंड हमारे घर में भाई एक और क्रिएटर बन चुकी है वानी, हमारे घर में भाई एक और क्रिएटर आ चुकी है वानी। कैसे चल रहा है इन्फ्लुएंसर, कैसे मजा आ रहा है रील डालने में है ना, वेरी नाइस। वानी ने 3 दिन में 3 रेगुलर रील डाल दी, आज की भी रेडी है है ना, अभी फिर आज आगे कल की शूट करूंगी। हाँ वेरी नाइस। तो अब वानी हमेशा से, जैसे स्टार्टिंग वानी पहले भी भाई कनाडा जब रहती थी ना तब भी इसने बहुत सारी वो बनाई थी, टिकटॉक मेरे को दिखाई थी, हंसी आ गई थी, इसने डिलीट कर दी। फिर इसको ये था थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ निकल जाए, सारा कुछ निकल जाए, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी, इतना खैर शौक वोक नहीं है, पर आजकल भाई सभी कर रहे हैं तो ये कहती है मैं भी ट्राई कर, अरे कुछ कोई नहीं कर, तो ये कहती मैं भी ट्राई करके देखती हूँ इंस्टाग्राम रील्स। तो वानी का भी इंस्टाग्राम यहीं पर आप जाके आप लोग फॉलो कर सकते हो। हाँ ये भाई वहाँ पर रील्स डाल रही है, और फिर अपनी रील भाई स्टॉक करती रहती है अपनी, दूसरों की नहीं देख रही, अपनी आइडियाज लिखती है, फिर शूट करती है, मेरे से शूट करवाती है मेरी फिल्म मेकिंग की, कुछ तो वो है ना इम्पोर्टेंस, फिर मेरे को फिर DOP बनना पड़ता है भाई डायरेक्टर साहब के आगे। तो अभी जैसे मैंने बोला 12:30 कैसा हो गया, तो अभी मैं जैसे बोला 12:30 निकलना है, मतलब 12:15 निकलना है, तो अभी 4 मिनट है इसलिए मैं आपसे बातें कर रहा था। भाई हम लोग निकल चुके हैं, वानी यूनिवर्सिटी का काम है, 8:30 थी भूल गई सुबह उठना, मतलब मेरा भी फोन नीचे गिर गया था और इसका अलार्म तो भाई बजा ही नहीं, तो हाँ तेरी वजह से, और मेरा टेस्ट है, तेरा टेस्ट है आज, गुड लक। देन टेस्ट भी भाई ऐसे होता है, 1:30 हो रहा है, 12:30 1:30 किसी में भी आ जाओ, पर ये कि आना पड़ेगा। आपे वो तो ये वाला अच्छा टीचर है हाँ। इसलिए वरना कोई और होता ना बोलता कि नहीं चलो, कोई कोई टीचर अच्छा होता है गाइस। चल वानी गुड लक बाय। और भाई देखो ओरिएंटेशन हो रही है, कितने सारे बच्चे हैं भाई आगे यूनिवर्सिटी, ओरिएंटेशन यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई फेब एंड टेक वाली ना, देखो भाई कितने बच्चे हैं भाई वो। हाँ मैं कह रहा था फेब इनटेक स्टार्ट हो गया ना, तो ओरिएंटेशन हो रही है यूनिवर्सिटी में, बहुत बारी दिखा चुका हूँ मक्वेरी की, डीकन की और स्विनबर्न की भी दिखाई है, और हाँ और अगर आप लोग यूनि में होने वाली है आगे तो मेरे को बता दो, आ जाएंगे भाई हम। तो हाँ सबसे पहले डिलीवरी आई है भाई $15.50 की, करीबन 8 किलोमीटर की, वो भी पैकेज है, कोई खाना नहीं है, कुछ भी हो सकता है मतलब पैकेज में। तो पैकेजेस में क्या, मेरे को एक बारी किसी ने पर्स दे दिया था भाई, इतना छोटा सा पर्स था, उसके $50 मिल रहे थे, बट वो 30 किलोमीटर दूर जाना था देने के लिए, और जाना है तो वापस भी आना है, तो फिर हाँ जाके देकर आया।
और मेरे को एक बारी जैसे बॉक्सेस नहीं होते किसी रेस्टोरेंट में दूसरी फ्रेंचाइजी में पहुंचाने हैं, वो भारी भारी भाई बॉक्सेस वो भी देकर आया था मैं। और एक बार पेंटिंग थी बड़ी बड़ी, ऐसे फोन में तो दिखेगी नहीं कितना बड़ा साइज, बट बहुत बड़ी सी पेंटिंग थी, मैं कहा इसमें रख दे, सीट नीचे लटा दी और भाई दे आया। तो हाँ, पैकेजेस के थोड़े पैसे सही होते हैं और थोड़ी लंबी ट्रिप्स होती है, और लंबी ट्रिप्स में गाड़ी की एवरेज भी ज़्यादा होती है, और 8-8 की मैं ट्रिप दो करूँ उसमें 16 की एक हो जाती है, तो समझ गए ना सीन। तो हाँ, अभी बस लेने जाते हैं। तो भाई मेरे को ये बैग मिला है, ये देकर आना है, इसके $16 मिल रहे हैं। और भाई उबर ने स्कैम कर दिया, लिखा था 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर जाना है मेरे को, और ये 1 किलोमीटर का पिकअप था। भाई क्या कर रहे हैं भाई उबर वाले, और ये दीदी का बैग का मैं क्या करूँ। और भाई अब सोचो इसके अंदर नशीले पदार्थ हो, बम बम हो, फिर क्या होगा पता ही नहीं भाई। पर ठीक है, भरोसे पे दुनिया कायम है, भरोसे पे दुनिया चल रही है। उबर ने ये चीज स्टार्ट करी है कि तुम कोई भी बंदा हो तो पार्सल दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को आप लोगों को कुछ भिजवाना है, मान लो गिव अवे करा मैंने किसी चीज का, तो मेरे को कोई चीज पहुंचानी है और वो पोस्ट से लगेगी एक डेढ़ दिन, और उबर वाले तभी पहुंचा देते हैं। देख रहे हो, कोई चीज नहीं छोड़ रहे, उबर ईट्स, उबर ड्राइवर, उबर से उबर एक्स, और कुछ भी भाई उबर की फेक टैक्सी हो रहा है, बाकी रहेगी बस। और भाई पेट्रोल के रेट चेक कर लो भाई, आज के 179 है सबसे कम वाले का। जगह दे दो अंकल, थैंक्स। तो हाँ, अभी बस 12 मिनट दूर बच रहे हैं, बट ठीक है भाई, $16 इस टाइम के हिसाब से भी लेके चले तो 20 मिनट में बन जाएंगे। अब ये नहीं है कि हर डिलीवरी ऐसी आएगी, खराब डिलीवरीज भी आएंगी, जैसी आएंगी दिखाता रहूँगा, ठीक है। और डेली व्लॉगिंग चल रही है, तो जो डेली हो रहा है वो दिखाएंगे। और तुषार भाई, आप अभी तक उबर कर रहे हो, तो 4 साल हो गए आपको ऑस्ट्रेलिया में, वैलेंटाइंस डे पे आए थे आप 2020 में, अब तो वैलेंटाइंस डे भी चला गया, अभी तक उबर कर रहे हो, तो भाई फुल टाइम जॉब जब ऑस्ट्रेलिया में ढूंढ रहे होते हैं ना, तो वो मोस्टली आपसे ये मांग, अरे रोड बंद आ गए, मोस्टली आपसे ये मांगते हैं कि आपके पास वो वीज़ा हो, जैसे टेम्परेरी रेजिडेंसी हो या PR हो। स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं देते फुल टाइम जॉब, बहुत कम लोग देते हैं। तो फिर मैंने कहा एक बार जब TR हमारी टल जाए तब हम अप्लाई करेंगे, है ना। तो हाँ, वैसे सीन हो डिफेंडर सेक्सी, थैंक्स गाइस जगह देने के लिए। भाई यार जाम हो रहा, कौन सी प्रिंसिपल हो दीदी यार, प्रिंसिपल हो वाइन जगह, थैंक्स दीदी यार, थैंक यू, लोग मेहरबान है, आज जगह पे जगह दे रहे हैं। दे दिया भाई पार्सल, वो लेगी आंटी बैग। चलो अब अगली डिलीवरी आई है भाई, भाई अगला पार्सल ये है, पता नहीं क्या है इसके अंदर, भी कपड़े कुपड़े लग रहे हैं मेरे को, बट मैं अंदर को झांकू क्यों भाई, मेरा काम ही नहीं है ये, अपना उठा के दे दो। वो जो भाई छोटा, एक बार मेरे को पहले छोटा सा वो आया था ना पर्स टाइप, उसके अंदर लग रहा था मेरे को नशीले पदार्थ था, क्योंकि वो लेडी ऐसे लग रही थी कति नशे करके आई है भाई फुल। तो गाड़ी की नंबर प्लेट डालनी थी, पेमेंट कर दी, देखो कितनी कम स्पेस है, आगे तो लगी नहीं मेरे से, और पीछे देख लो इन्होंने ही गलत लगा रखी है। इस रेस्टोरेंट से आया ऑर्डर, भाई कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए ऐसे। एक बार मैंने गाड़ी पार्क करी, मैं ऑर्डर लेने आया, मैं कहा 2 सेकंड में ऑर्डर उठा लूंगा, भाई वहां से आ गया फाइन मारने वाला, मैं वापस भगा भगा गया रोड टॉप के कि मैं यही हूँ, मेरी गाड़ी है ये, मैं ऑर्डर उठाने आया था। कहते कोई बात नहीं, साइड वाली स्ट्रीट पे लगा दे। ये है भाई सब फिट्ज़रॉय, मेरे को तो भाई 1 सेकंड में ऑर्डर दे दिया, मैं पर्ची भी ना लेता तो भी मेरे को ऑर्डर मिल जाता। रिस्क नहीं ले सकते, $200 का फाइन आ जाता है, 150 से 200, क्यों रिस्क लें। हाँ, तब भाई मैं रिचमंड में था और मैंने गाड़ी लगाई और मैं ऑर्डर लेने गया, पीछे से भाई वो आ गया फाइन मारने वाला, और उसमें संडे था भाई, संडे को यूजुअली पार्किंग फ्री होती है हर जगह पे, बट वहाँ नहीं थी, और मैंने देख लिया था कि नहीं आवेगा, फिर भी मैं 2-4 सेकंड में आ जाऊंगा भाग भाग के ऑर्डर लेने, और वो रेस्टोरेंट में अंदर कोई था नहीं मेरी उस बार एरिया में जहाँ से ऑर्डर उठाना था। भाई फिर क्या हुआ, मैं भगा भगा वापस गया, मैं कहा मेरी गाड़ी है भाई साहब, फाइन मत देना मेरे को। फिर उसने बोला ठीक है तू साइड में गली में लगा ले, वो सारी फ्री पार्किंग है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं नया हूँ यहाँ पे, मैं ऐसे बोला है उसको। भाई बच गया मैं, उस दिन मैंने कितने कमाए थे, 120-130 कुछ कमाए थे, उतने का या उससे ज्यादा का फाइन ही आ जाता। तो हमेशा जहाँ पे पेड पार्किंग है वहां पर पैसे दे दो, चाहे 10 मिनट के ही देने पड़े, और आपको पता है ऑर्डर है, ताकि आपका कटे ना। अब मैंने 87 सेंट दे के $200 बचा लिया ना,
इसलिए जैसे देखो इसके अंदर मीटर लिखा है, इसका मतलब पेड है, मीटर नहीं लिखा होता नहीं पेड। वहाँ से मेरे को ऑर्डर उठाना है सामने से, बट फिर भी मैं शायद ले लेता हूँ पार्किंग, देखता हूँ कितने की है, महंगी हुई तो फिर मैं नहीं लूंगा, एक्टिंग कर लेता हूँ लेने की। अगर कोई फाइन वाला आसपास वो कहेगा इसने तो ले ली होगी। भाई रेस्टोरेंट की मैं बाहर ही खड़ा हूँ, दीदी ने बोला 2 मिनट लगेंगे, मैं गाड़ी देख रहा हूँ बस अपनी। पार्किंग नहीं ली मैंने क्योंकि $2 की है भाई, 10 मिनट की मतलब 15 मिनट की मिनिमम ही $2 है। मैं कहा क्यों लूँ भाई, $8 का तो मेरा ऑर्डर है ये। तो कभी कभी ऐसे थोड़ा रिस्क लेके करना पड़ता है भाई। मैंने ऑर्डर उठाया तो यू टर्न ले लूँ पहले। भाई मैंने ऑर्डर उठाया, मेरे को बोलती कैन चेक द डिटेल्स प्लीज, मैंने दिखाया उसको, फिर बोलती कैन यू प्लीज स्टार्ट द डिलीवरी, ऐसे कुछ बोली। ठीक है ऐसे मजाक नहीं उड़ा रहा, पर मेरे को गुस्सा चढ़ गया भाई। मैंने कहा आई नेवर कैंसिल दी ऑर्डर, कितनी नो बट आई हैव टू से। फिर मैंने उसको बोला कि अंडरस्टैंडेबल थैंक्स, और मैं बोल के आ गया भाई। वही ना देसियों ने नाम खराब कर रखा है, लोग क्या करते हैं ऑर्डर उठाते हैं और अपने पास से कैंसिल कर देते हैं, ये नहीं डालते कि पिकअप कर दिया है, लोग कैंसिल कर देते हैं। उसकी वजह से भाई ये होता है कि रेस्टोरेंट्स को बोलना पड़ता है कि भाई तुम कर लो, बट भाई ऐसे कुछ कुछ लोग नहीं होते जो ऐसी चीजें नहीं करते, हम नहीं करते भाई। किसी का खाना क्यों मारो है, तुम्हारे साथ कर्मा हो जाएगा, तुम गई कोई भूखा बैठा है घर पे। हम खुद भाई इंडिया में कैसे करते हैं, जोमेटो स्विगी वाला आ रहा, हम पहले ही बाहर जाके खड़े होते थे कि आ गया गली के कॉर्नर पे। यहाँ पर खैर ऐसे लोग नहीं करते, यहाँ पर तुम खाना बाहर भी छोड़ दो आधे घंटे बाद भी उठा लेंगे। किसी भूखे का भाई कोई खाना क्यों मारो है ना, मेरे को नहीं पसंद भाई ये चीज, और ना ये चीज कभी करनी चाहिए किसी को भी। बट हाँ मैंने देखा है भाई लोग करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे अंदर जाएंगे ऑर्डर फॉर तुषार उठाएंगे और फिर कैंसिल। मैंने खुद ऊबर इट्स ऑर्डर किया एक दो बारी, मेरा खुद ऑर्डर कैंसिल हुआ है भाई कि भाई उठा के ले ही गए। अच्छा इसमें तो चिकन तंदूरी पिज्जा है, मेरा लंच आ गया, उठा के ले गए भाई। ऐसे नहीं एक बार और हुआ था भाई पहले, पता नहीं किसी के साथ किसी बंदे ने ऑर्डर कैंसिल किया और भाई वो पुलिस वाले का ऑर्डर था। अब पुलिस वाले का ऑर्डर था तो भाई उसने पता नहीं क्या क्या करके, पता नहीं स्टोरी सही है नहीं है, उसने बंदे को पकड़ लिया, वो किसी बस स्टैंड पे बैठ के खा रहा था पुलिस वाले का ऑर्डर कैंसिल करके। भाई गुद्दी पकड़ ली उसने तो, ऐसी तैसी कर दी उसकी। तो यही है भाई, ऐसी हरकतें ना करी जाए पब्लिक तो भाई बेटर रहेगा। यहाँ पर जो भी लोग नए भी आ रहे हैं वो सोचेंगे ना 1% के लिए भाई ये तो ऑर्डर कैंसिल कर दो, मेरे पास तो 4 पिज्जा पड़े हैं, मेरा तो लंच डिनर निकल गया। नहीं भाई किसी का खाना मत मारो भाई जिंदगी में, कुछ भी करो नहीं, कुछ कुछ भी नहीं, मतलब अच्छी चीजें करो, बी गुड बॉय गुड मैनर्स।